बहुजन समाज पार्टी अकाली दल सांसदों ने किया संसद के सामने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। देखिए, ना किसानों को ना पार्टियों को समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है कि वो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। ना किसान समझ सक रहे हैं, ना कोई पार्टी समझ सक रही है। आज सबको बेनकाब होना पड़ेगा। जो किसान के हक में खड़े हैं उनको खड़े होके इस सेशन में सरकार को मजबूर करना होगा कि किसानों की मांग मांगी जाए। जिस किसान करके हम सब संसद में पहुंचे हैं, वो किसान 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 500 की खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन आज तक ना ओबिचुरी में उनका मेंशन किया गया है और ना ही काले कानून वापस किए गए हैं। तो हम पूरा दबाव डालेंगे कि काले कानून वापस किए जाए, किसान की मांगे मानी जाए। आपको बता दें कि आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और उसी बीच बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के राज्यसभा सांसद एवं लोकसभा सांसद भी उपस्थित थे। जैसा कि गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के विरोध में 3 कृषि कानून लाए थे, जिसमें सार्वजनिक मंडियों को खत्म करके पूंजीपतियों के हाथों में देने के कानून के विरोध में किसान कई महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, जिसके समर्थन में बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश के अनुसार यह आंदोलन हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।